So welcome students to the last video of agronomic improvement methods. We are studying improvement in food resources, class 9 biology. Lastly, we have discussed crop production management. For that, what are the measures to be taken? We have to improve the nutritional supply. We have to improve the irrigation techniques. We have to improve the cropping patterns. Okay, so here everything is okay till now. Now we have to protect those crops from pests, from diseases. So in order to do that, we need to study about crop protection management. तो क्रॉप को किसके खिलाफ, मतलब किसके खिलाफ प्रोटेक्शन देना है क्रॉप को? पेस्ट, यानी कि बहुत सारे इंसेक्ट्स होता है. ओके, रोडेंट पेस्ट, मैमल पेस्ट, जैसे कि रैबिट, रैट्स, माइस. ओके, और ऑब्वियसली पैथोजेनिक डिजीज के खिलाफ, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब के खिलाफ क्रॉप को प्रोटेक्शन देना है. तो कैसे प्रोटेक्शन देने का, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, अभी हम लोग वही देखेंगे. So crops are infested by a large number of weeds, insects, insect pest, rodent pest and diseases. Okay. और कहाँ कहाँ पर होता है crop को जो attack किया जाता है ये सारे चीज़ के द्वारा, कब होता है? In field and storage. यानी कि in field crop production हम लोगों को पहले देना है, जब crop grow हो रहा है, जब field में है, cultivation हो रहा है जब, during that time we need to give them protection. And lastly, after the harvesting process, when we are storing them inside the gunny bags and silos or granaries, we need to protect those crops from storage grain pests. Okay, so firstly we'll start with in-field crop production. The first one is weeds. These are the first villain. Now we need to create a protection against weeds, and we need to gain some knowledge. What are they? So weeds are unwanted plants in the cultivated field. For example, xanthium, in Hindi we said gokru, parthenium, in Hindi we said gajar ghas, cyprinus, in Hindi we said motha. Okay, chinopodium, in Hindi we say it bathua, wild oat. So these are some examples of weeds. So weeds are what? They are unwanted plants. चाहिए नहीं भाई उसको. Okay, ना चाहते हुए वो मतलब क्रॉप के साथ ग्रो हो रहा है. Okay, कोई उसका स्वागत नहीं है. Okay, वो जाके जितना ही बोले स्वागत नहीं करना है हमको, स्वागत उसको नहीं करना है, उसको भगाना है फील्ड से. क्यों भगाना है? Because they compete for food, space, light. Okay, weeds take up nutrients and reduce the growth of the crop. अब तुम दो इंसान थे, दो इंसान के लिए हर रोज 10 रोटी आता था. अब दो इंसान के जगह में ना चाहते हुए मेहमान आ गया एक तीसरा, लेकिन रोटी तो तुमको 10 ही रोटी दिया जाएगा. अब वो 10 रोटी तीनों में डिवाइड होगा. ओके, तो तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा. जब क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट स्पेस दिया जा रहा है, वे न्यूट्रिएंट और स्पेस में भाग लेगा कौन? वीड्स. तो इट विल कॉम्पीट फॉर द ग्रोथ विद द क्रॉप्स. सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अ फार्मर और नॉट? ऑब्वियसली नॉट. देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर ए गुड हार्वेस्ट. अब अर्ली स्टेज में करना है. ओके, अब क्रॉप हार्वेस्ट करने वाले हो तब वीडिंग करने, वीड को जमीन से हटा के कोई फायदा नहीं. तब तो जो लेना था चोरी करना था हो गया. ओके, अब चोर भाग जाने के बाद कोई मेजरमेंट लेके, प्रिकॉशन लेके कोई फायदा नहीं है. तो क्रॉप जब ग्रोइंग पोजिशन में है, वो भी अर्ली स्टेज में, तब हम लोगों को वीडिंग के बारे में सोचना चाहिए. So here in this image we can see some commonly grown weeds. Okay, cheatgrass,
Japanese broom, okay, goat grass, wild oat, smooth broad broom grass, quack grass, okay, ये तो यानी थोड़ा बाहर झाँकोगे सड़क किनारे जो तरह तरह का जो घास देखने को मिलता है वो सब क्या होता है, वीड्स होता है, ओके okay? और बथुआ भी वीड्स होता है, लेकिन बथुआ को हम लोग साग के साग मतलब साग मानते हैं, लेकिन वो भी एक तरह का वीड्स ही है एक्चुअली। अब नाउ वी नीड टू नो द वीडिंग और वीड कंट्रोल मेथड। अब ये वीड को ज़मीन से भगा कैसे जाए, हटाया कैसे जाएगा, ओके सो देर आर थ्री मेथड्स, थ्री और फोर मेथड्स। फर्स्टली मैकेनिकल मेथड्स, जैसे हैंड पुलिंग और यूजिंग ट्रोयल, इसको हम लोग हटा सकते हैं, जैसे कि यानी कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, हाथ लगाओ, एक एक करके वीड को चुन चुन के उखाड़ो और ज़मीन से फेंको या जला दो, या तो ट्रोयल यानी कि खुरपी यूज़ करके भी हम लोग वीड को भगा सकते हैं, वीड को उखाड़ सकते हैं रूट से, या तो प्लाउइंग प्रोसेस यानी कि जब सीड शोइंग होने जा रहा है उससे पहले हम लोग ज़मीन को अच्छी तरह से प्लाउइंग प्लाव कर लेंगे, यानी कि लूजनिंग ऑफ मड्स अच्छी तरह से कर लेंगे, ताकि उसमें अगर वीड प्लांट का सीड या स्पोर वगैरह है सब मर जाए। नेक्स्टली केमिकल मेथड, केमिकल मेथड वी यूज सर्टेन टॉक्सिन नोन एज वीडिसाइड, ओके एग्जांपल 2,4-D, 2,4-D इज काइंड ऑफ सिंथेटिक ऑक्सिन, ओके डायरोन, एट्राजीन, सो दीज आर सम कॉमनली यूज वीडिसाइड, ओके नाउ देर इज अ क्वेश्चन दैट कैन इट, वीडिसाइड मीन्स दे आर किलिंग अल्टीमेटली वीड प्लांट्स, सो क्रॉप्स आर ऑल्सो प्लांट, सो क्रॉप्स आर द क्रॉप्स सेफ फ्रॉम वीडिसाइड्स, आंसर इज एब्सोल्युटली सेफ, ओके क्योंकि वीडिसाइड्स आर वेरी मच स्पेसिफिक, वेरी मच प्लांट स्पेसिफिक, ओके वो वीड के लिए ही बनाया जाता है, वीड जो प्रजाति है उसी प्रजाति को मारेगा, क्रॉप का जो स्पीसीज है, क्रॉप का जो प्रजाति है उसी को उसके वो हार्म नहीं पहुंचाने वाला है वीडिसाइड। कल्चरल मेथड, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, सीड बेड प्रिपरेशन। तो क्रॉप रोटेशन जब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ रहे थे इसके बारे में, ये दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से कैसे वीड इरेडिकेट हो सकता है। अब सीड बेड प्रिपरेशन क्या है, सीड सोइंग जब किया जा रहा है तब एक प्रॉपर सीड बेड बना जाता है कल्टीवेशन फील्ड में, ओके यानी कि जो जर्मिनेटेड सीड जो हम लोगों का टारगेट प्लांट है सिर्फ उसी को जर्मिनेट होने दिया जा रहा है, बाकी अगर कोई सीड जर्मिनेट हो रहा है जो हम लोगों का टारगेट प्लांट नहीं है, क्रॉप प्लांट नहीं है, तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सीड बेड प्रिपरेशन। और एल्स वी कैन यूज बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड में क्या क्या यूज़ किया जाता है, यूज कॉकिनियल इंसेक्ट, ओके अब बोलो इंसेक्ट तो भाई पेस्ट होता है, इंसेक्ट तो ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगा, अब इंसेक्ट को यूज़ करके हम लोग वीड कैसे मारेंगे, ऐसा कुछ इंसेक्ट होता है, ओके जो इंसेक्ट अप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब नेचुरली ग्रो नहीं होता है, हम लोग खुद से अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि इंडिया में ओपंक्सिया प्रिक्लीपियर, ओके वो खेत में जो बारिश के रेनी सीजन में खेत में चलते हो तो पैंट में काटे जैसा कुछ लग जाता है ना, दोज आर प्रिक्लीपियर प्लांट्स, उस प्रिक्लीपियर को मारने के लिए कुछ कॉकिनियल्स इंसेक्ट यूज़ किया जाता है जो उसका नेचुरल किलर होता है। और एल्स वी कैन यूज स्मूदर क्रॉप लाइक सोयाबीन, बार्ली, मिलेट, ओके व्हाट आर स्मूदर क्रॉप, दे डोंट अलाउ ग्रोथ ऑफ वीड्स, ये प्लांट्स के पास अपना कैपेसिटी है, ये अपना आसपास का जो रेडियस, अपना आसपास का जो एरिया है वहाँ पे दूसरा कोई प्लांट को ग्रो ही नहीं होने देता है, सो दोज काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज स्मॉदर क्रॉप। हियर वी कैन सी वीडिंग मेथड बाय यूजिंग ट्रावेल, खुरपी से वीड को हटाया जा रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसेक्ट पेस्ट। नाउ जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन थ्री वेज, इंसेक्ट का तो भरमार है, अब अलग अलग इंसेक्ट पेस्ट, अलग अलग पेस्ट क्या होता है पहली बात बता लेते हैं, पेस्ट आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हार्म द कल्टिवेशन प्रोसेस, विच हार्म द क्रॉप प्लांट्स बाई कॉजिंग डिजीजेज और बाई ईटिंग देम और बाई डिजनरेटिंग देयर पार्ट्स, ओके तो इस तरह से
पेस्ट वो ऑर्गेनिजम्स होता है जो फार्मर का नुकसान पहुंचाता है अल्टीमेटली। ओके, तो इस पेस्ट को तो नहीं चाहिए भाई, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, खेतीबाड़ी करके दो पैसा कमाने वाले हैं, अब वो पेस्ट को खिला दोगे तो थोड़ी चलेगा। अब ये पेस्ट कैसे कैसे अटैक कर सकता है, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ। ओके, तो जो लार्वा होता है, जो लार्वा पेस्ट पेस्ट का जो लार्वा इंसेक्ट का जो लार्वा होता है वो रूट स्टेम एंड लीफ को खा जाता है। और दे सक द सेल सैप फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो क्रॉप होने वाला है, क्रॉप ग्रेन या स्टेम या रूट के अंदर का जो पोर्शन है उसको खा लेता है ये। ओके, और दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड, या तो स्टेम या फ्रूट में छेदा बना देता है और वो सर जाता है, ख़राब हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल ग्रास ऑफर, शुगर कैन टॉप बोरर, शूट फ्लाई ऑफ व्हीट, ये व्हीट को अटैक करता है और शुगर कैन टॉप बोरर पता चल रहा है कि शुगर कैन को ऊपर से ख़राब कर देता है। गंदी बाग ऑफ राइस, गंदी बाग तो देखे होंगे, ये इंसेक्ट कभी कभी रूम में आ जाता है, घर में आ जाता है, अगर बाई चांस इसको मसल दो तो बहुत एक स्टिंकिंग स्मेल, बहुत गंदा एक बदबू आने लगता है उससे। लोकास्ट, अभी इस लोकास्ट का अटैक हो रहा है, पूरा वेस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया लोकास्ट के अटैक से परेशान है। ओके, तो दीज आर सम कॉमन पेस्ट्स। अब इसको पेस्ट का अटैक से प्रिवेंट कैसे किया जाएगा। ओके, सो हियर वी कैन यूज़ डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स क्रॉप्स, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। ओके, बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिनेसिस, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि बैसिलस थुरिंजिनेसिस और कॉटन का, दोनों का जीन को कंबाइन करके बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया गया है और ये एक पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि बीटी बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है थुरीसाइड, जो अगर खाएगा पेस्ट तो तुरंत मर जाएगा, उससे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं, लेकिन पेस्ट इंसेक्ट का जो लार्वा है वो मर जाता है, इसलिए वो डिजीज रेजिस्टेंट होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होता है। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, यानी कि हम लोग क्रॉप रोटेशन या इंटरक्रॉपिंग फॉलो कर सकते हैं। एंड वी कैन फॉलो समर प्लाउइंग। समर प्लाउइंग क्या है, इन दिस मेथड फील्ड्स आर प्लाउड डीप इन समर टू डिस्ट्रॉय बोथ पेस्ट एज वेल एज वीड्स। अब एकदम भरमार गर्मी जब है, ओके, यानी कि तब कल्टीवेशन फील्ड में एकदम खाली है, कोई सीड सोइंग नहीं चल रहा है, उस समय बहुत गर्मी है, उस समय क्रॉप को, सॉरी जो सॉयल है उसको एक बार प्लाउ कर दो, ओके, प्लाइंग मशीन से, कल्टीवेटर से, तो उतना गर्मी में क्या होगा, उस मिट्टी में जितना पेस्ट है या जितना वीड्स है सब मर जाएगा। और एल्स वी कैन यूज़ पेस्टिसाइड, अलग अलग टाइप का पेस्टिसाइड होता है, केमिकल पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड। ओके, वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर यूज़ ऑफ बायो पेस्टिसाइड लाइक नीम एक्सट्रैक्ट, ओके, चिली एक्सट्रैक्ट, पायरीथ्रम एक्सट्रैक्ट, दिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो पेस्टिसाइड। और वी कैन यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। अब इसमें क्या है भाई, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में हम लोग कोई ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके पेस्ट्स को मरवा देते हैं, जिसकी कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान वगैरह में बर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, दे आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ बर्ड्स इन ऑर्डर टू किल द इंसेक्ट्स, क्योंकि बर्ड्स को तो, बहुत सारे बर्ड्स को तो इंसेक्ट खाना बहुत पसंद है। ओके, सर्टेन कंट्रीज दे आर यूजिंग फ्रॉग्स टू किल द इंसेक्ट्स। ओके, सो दिस इज सम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। Here we can see a large range of example of different kind of insect pests are given. ऐसा ऐसा होता है agricultural field में insect pests, इन लोगों के खिलाफ हम लोगों को protection देना है crop को। So here we can see the farmer is doing what? Spraying, he is spraying pesticide. Particularly insecticide in order to kill the insect pests.
स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। अब फील्ड में जब ग्रो हो रहा है तब तो हो ही गया, अब जब उसको स्टोर करोगे हार्वेस्टिंग के बाद तब फिर दूसरा लॉट आएगा, दूसरा लॉट ऑफ दुश्मन आएगा अटैक करने के लिए, उसको कहता है स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। सो व्हाट आर दे एग्जांपल ऑफ देम आर राइस वीविल, पल्स बीटल, खापरा बीटल, ग्रेन मॉथ, रैट्स एंड माइस, दीज आर सम कॉमनली नोन स्टोरेज ग्रेन पेस्ट। How you can keep your crops safe from them? Firstly, you have to do sun drying method. Why we are doing sun drying? यानी कि धूप में इसको काहे सुखाया जाता है? In order to bring down the moisture level in crops from 40% to below 9% to prevent spoilage. अब जब तुरंत हार्वेस्टेड हुआ है क्रॉप का, उस क्रॉप में मॉइस्चर लेवल रहता है 40%, 35 से 40%। अब उतना मॉइस्चर के साथ अगर क्रॉप को मैं गानी बैग्स में भर के वेयरहाउस में रख दूंगा तो तुरंत उसमें फंगस लग जाएगा, या इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट, और इट मे कंटामिनेट इटसेल्फ विद वेरियस काइंड ऑफ पैथोजेनिक डिजीजेज। ओके, तो इसलिए कॉन्टामिनेशन को रोकने के लिए, स्पॉयलेज को रोकने के लिए उसका जो मॉइस्चर है उसको 40% से 9% से नीचे लाना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्यूमिगेशन। फॉर फ्यूमिगेशन वी आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ फ्यूमिगेंट्स, दे आर नथिंग बट केमिकल टॉक्सिन्स, एग्जाम्पल्स मिथाइल ब्रोमाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, EDCT, दिस आर सम कॉमनली यूज फ्यूमिगेंट्स। They are used to kill pest. So these are some common examples of storage grain pest. Here we can see grain silos. ये जो metallic bins होता है, metallic bins के अंदर गानी bags में भर भर के crops को store करके रखा जाता है. Okay, these are गानी bags. गानी bags can be made up of jute also as well as from plastics also. Now here we can see how they're doing pest control service in order to protect the crops stored inside the granaries or silos. तो pest control करने से पहले यानी fumigation करने से पहले लोग क्या करता है, जो गानी bags है उसको tarpaulin या ट्रिपल से ढक देते हैं या प्लास्टिक से ढक देते हैं, और फिर फ्यूमिगेंट टैबलेट या फ्यूमिगेंट स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि ढक इसलिए दिया जाता है कि फ्यूमिगेंट चारों ओर फैल ना जाए क्योंकि वो जहरीला होता है। ओके, सो दीज आर सम टेक्निक्स व्हिच आर यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। नाउ वी विल सी सम कॉमन डिजीजेस ऑफ क्रॉप प्लांट्स, कॉमन पैथोजेनिक डिजीजेज। पेस्ट के बारे में तो बहुत बक कर लिए, कुछ डिजीज़ के बारे में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेड रॉट ऑफ सुगर केन, ये तो इसमें क्या होता है, रेड रॉट डिजीज़ में या फंगल डिजीज़ है तो इसमें मैच्योर होने से पहले सुगर केन का जो एडिबल जो पोर्शन है, सुगर केन का जो स्टेम है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और ख़राब हो जाता है। दिस इज रास्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट, दिस ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंगल डिजीज। ओके, ये पक्सिनिया ग्रामिनिस बोल के एक फंजाई से होता है। तो जैसे लोहा में जैसे जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है, कॉरोजन हो जाता है, इस तरह से इसका लीफ और स्टेम के ऊपर स्टेम को देख के लग रहा है कि ये रस्टेड हो गया, और रस्ट पहले रस्ट जैसा हो जाएगा, इसके ऊपर धब्बा धब्बा हो जाएगा, उसके बाद तो सूख जाएगा और मर जाएगा। मोर फ्यू डिजीज आर जैसे कि डाउनी माइलियो डिजीज दिखाया गया है। ओके, ये ग्रेप्स प्लांट में देखने को मिलता है, ग्रे मोल्ड डिजीज देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी प्लांट में, पी प्लांट्स में, कैंकर डिजीज नीचे दिखाया गया है। कैंकर डिजीज जनरली साइट्रस जो फ्रूट होते हैं लाइक लेमन ऑरेंज इस तरह का प्लांट में देखने को मिलता है कैंकर डिजीज। So this is with this I'm ending this first agronomic portion of this chapter, that is how to improve the methods of agronomy. Next video we will be starting the lecture on animal husbandry and how we can improve
the quality and quantities of the yield from animal husbandry, and we'll talk about new aspects. Thank you all.